तो इसका जो स्टफ है ना गाइस, इसका मतलब बहुत ही अच्छा है। आप इतना खुश हो जाएंगे इसके प्रोडक्ट लेके। बेबी हक के प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे आते हैं। एक साइड आप ऑनलाइन मीशो से शॉप करके देख लीजिए या किसी अदर वेबसाइट से, और एक साइड आप फर्स्ट क्राई से शॉप करके देख लीजिए। इतने अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, एकदम से अमेजिंग। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेकअप स्टाइल विद अर्चना। तो गाइस, मैं हूँ अर्चना और स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मेकअप स्टाइल विद अर्चना में। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइस, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का वीडियो क्या होने वाला है। जी हाँ, आज का वीडियो फिर से एक शॉपिंग हॉल होने वाला है, लेकिन आज का वीडियो बच्चों के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है, मतलब बड़े लोगों के लिए नहीं है। आज लेकर आई हूँ मैं बच्चों के लिए एक छोटा सा हॉल, मिनी हॉल कह सकते हैं आप इसे, ह्यूज हॉल नहीं कह सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा। एक्चुअली ऑर्डर तो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट किए हुए हैं बच्चों के लिए, लेकिन वो ना धीरे धीरे आ रहे हैं। तो जैसे मैंने सोचा 3-4 प्रोडक्ट मेरे पास हो गए हैं, अब जो बाकी प्रोडक्ट हैं कुछ टाइम बाद आएंगे। होता क्या है, मैं जब ये बाद में अगर ये एक साथ डालूंगी ना, एक साथ आप लोगों को दिखाती हूँ, तो फिर वो ना फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं पहले वाले। बहुत बहुत जल्दी बच्चों के प्रोडक्ट जो है आउट ऑफ स्टॉक होते हैं। तो सोचा मैंने जितने प्रोडक्ट आ गए ना मेरे पास, उतने का मैं रिव्यू कर देती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ, कि जिससे कि आप लोग अगर अपने बच्चों के लिए कुछ फर्स्ट क्राई से ख़रीदना चाहते हैं तो आप लोग ना आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो सके उससे। तो चलिए गाइस, फिर ज़्यादा बातें ना करते हुए अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा गाइस, यहाँ पर मेरे पास ये इतने सारे प्रोडक्ट हैं मेरे बगल में ही रखे हुए, जस्ट देखिए। और इसमें ना ये देखिए कितना सारा है मेरे पास यहाँ पर मटेरियल। तो एक एक करके अब हम इनको देख लेते हैं। कुछ बॉयज़ के कपड़े हैं, कुछ गर्ल्स के हैं, और 4 to 6 इसका साइज़ है। तो गाइज, अब हम अपना पिटारा खोल लेते हैं और देख लेते हैं कि इन पैकेट्स में आखिर है क्या, क्योंकि कुछ तो गर्ल्स साइड ड्रेसेस हैं, कुछ बॉयज़ साइड ड्रेसेस हैं एक्चुअली। चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास है, सबसे पहला पैकेट हम खोल के देखते हैं कि इसमें क्या निकलता है। इसमें है एक पैंट, बच्चे की ट्राउज़र कह सकते हैं या पैंट जो भी है, इस तरह की देखिए पैकेजिंग में है। ओपन कर लेते हैं, वैसे इसके मैंने शॉर्ट वीडियो डाले हुए हैं। ये देखिएगा, इस तरह के ये ट्राउज़र हैं बच्चों के। एक्चुअली आप लोगों ने अभी शायद अगर मेरा मीशो वाला वीडियो देखा हो तो आपको पता हो कि मैं बच्चों के लिए कुछ पैंट्स ले रही हूँ, क्योंकि मैंने जो पैंट्स खरीदे थे, बच्चों का साइज़ क्या होता है बहुत जल्दी बढ़ता है, 4-5 महीने पहन पाते हैं उसके बाद साइज़ बड़ा हो जाता है। इस बार देखिए मैंने बड़ा ही मंगाया है, 4 to 5 ईयर मंगाया है, जबकि मेरे बच्चे जो हैं 3 to 4 ईयर में रन कर रहे हैं। तो एक साल बड़ा ही मंगाना चाहिए हमेशा बच्चों के लिए। देखिए इस तरह की ये पैंट है और डेली वियर के लिए तो बहुत अच्छी है घर में। जब मैंने इसको ऑर्डर किया था ना, यहाँ पे साइड में कहीं पे मैं इस तरफ हो जाती हूँ थोड़ा, यहाँ साइड में मैं पिक लगा दूंगी। जब मैंने ऑर्डर किया था तो मुझे ना ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर है, मतलब एकदम से वो नहीं होता ब्राइट रेड कलर, तो मुझे लगा अच्छा नहीं लगेगा थोड़ा। फिर जब मैंने इसे ऑर्डर कर दिया तो मैंने कहा आने देते हैं, देखते हैं, अच्छा होगा तो रखेंगे, अदरवाइज़ फिर हम उसे रिटर्न कर देंगे। तो जब मैंने इसे देखा तो पता नहीं ये वीडियो में कैसा आ रहा होगा, लेकिन ये ना डार्क बर्गंडी टाइप से कलर होता है ना, एकदम से ब्राइट कलर, रेड कलर नहीं है, डार्क वाला मेहरूनिश टाइप का कलर होता है ना वैसा है। और इस पर जो ब्लैक कलर से जो प्रिंट हो रहा है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है इस पर। अगर हाँ इस पर वाइट कलर से या कोई और कलर से प्रिंट हो रहा होता ना, तो ये इतना अच्छा नहीं लगता, बहुत ही ज़्यादा चीपर साइड पे लगता। तो यहाँ बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। साइज इसका 4 to 5 ईयर मैंने किया था। क्लॉथ मटेरियल बहुत अच्छा है, प्रॉपर जो प्योर हॉजरी होता है ना, बस बहुत सॉफ्ट है। पता नहीं आप नहीं फील कर पा रहे, लेकिन मैं इसको फील कर पा रही हूँ, बहुत अच्छा है। तो जैसे कि आप पता है मैं हमेशा ना 2 पीस मंगाती हूँ, हर ड्रेस का मेरे पास 2 पीस मिल जाएगा अगर मैं अपने बच्चों के लिए मंगा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे बच्चे ट्विन्स हैं तो दोनों सेम पहनते हैं। इस तरह से देखिए, तो एक तो था ये, इसकी क्वालिटी मटेरियल बहुत अच्छा है। और ब्रांड, हाँ मैं इसके बारे में आपको ब्रांड बता देती हूँ। इस पर देखिए फीडो, FIDO करके फीडो ब्रांड है, और ये शायद मैंने फर्स्ट टाइम लिया है। मुझे ऐसा लगा जब मैंने इसे ऑर्डर कर दिया, मुझे ऐसा लगा कि ये बेबी हक का है, क्योंकि मैं ज़्यादातर बेबी हक के ड्रेसेस ही प्रेफर करती हूँ बच्चों के लिए लेना। बेबी हक बहुत अच्छा ब्रांड है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा निकला, और ये मुझे ना बहुत सस्ता पड़ गया था, बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ गया था। देखिए मटेरियल और साइज़ कितना अच्छा है, और करीबन ये मुझे 60% की सेल में मिला था। मुझे ये 136 का पड़ गया, कुछ GST टैक्स वगैरह लगा के ये मुझे 145 का पड़ा है एक पेंट। तो 145 में कुछ बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है यार, कुछ नहीं आता 145 में। तो एक पेंट मुझे 145 का पड़ा यहाँ पर। तो गाइज, अब हम यहाँ पर अपना दूसरा पैकेट खोल लेते हैं। मेरे पास यहीं पर रखा हुआ है सेकेंड पैकेट में भी देखिए 3 पैकेट है मेरे पास, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं इसको रखती जाती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे बहुत सुंदर जो मेरे आज का मतलब आज के वीडियो का टॉपर ड्रेस होने वाला है ना, वो ये है। ये एक गर्ल्स फ्रॉक है डेनिम में, बहुत अच्छी है। मैं आपको दिखा देती हूँ पहले, तब बात करूँगी इसके बारे में। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो देखिए यहाँ पे ये, यस वाओ सो क्यूट। देखिए सामने से पूरा आपको ये ओपन मिल जाएगा, यहाँ पे ये ओपन हो सकता है, ये बटन भी लगे हुए हैं यहाँ पे पूरा। और ये देखिए मटेरियल, देखिए फुल डेनिम में ये बहुत अच्छा है। और बेबी हग, देखिए ब्रांड भी बेबी हग है ये। एक्चुअली मैं बेबी हग में प्रिफर करती हूँ कि बेबी हग का जो प्रोडक्ट होता है ना, जो क्लॉथ होता है, वो मैं आँख बंद करके लेती हूँ बच्चे के लिए, ठीक है। अब ये साइज जो है 4 to 5 ईयर है। एक्चुअली ये ड्रेस 3 ईयर के बच्चे के लिए है, एक्चुअली गिफ्ट करने के लिए है ये ड्रेस। मैंने किसी को मतलब किसी का बर्थडे है तो मैंने उसके पर्पज से मंगाई है, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी है बच्चे का जो ड्रेस है। सच में यार इसमें अगर ये बड़ा पीस होता ना तो उसको ना मैं ही पहन लेती, कितनी क्यूट लग रही है मुझे। मुझे तो सच में डेनिम के क्लॉथ इतने पसंद है ना, इतने पसंद है, जेन्युइनली बोल रही हूँ कि डेनिम में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और आजकल वैसे भी डेनिम इन भी बहुत है, आपको पिक्चर दिख जाएगी। एक्चुअली मैं लुक बुक नहीं लगा पाऊंगी क्योंकि ये कपड़े अभी आए हैं और कुछ कपड़े मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा बड़े आए हैं, तो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ, दिखा देती हूँ, हो सकता है मैं उनको मे भी रिटर्न करूँ, तो इसलिए मैंने उनको लुक बुक नहीं लगा पाऊंगी। तो साथ में देखिए ये एक बेल्ट मिल जाता है यहाँ पे, इस तरह से सिल्वर कलर का ये बेल्ट है। और यहाँ पे बेल्ट लगाने के लिए ये स्ट्रैप्स भी दिए हुए हैं, ये देखिए। तो इसका लुक ना पूरा इस तरह से कंप्लीट होता है, कैसे बताऊँ आपको, यस इस तरह से। अमेजिंग अमेजिंग। अगर आपके पास गर्ल है ना तो आप इस ड्रेस को बेफिक्र होकर मंगा सकते हैं, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा मटेरियल है। और हाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि एक साइज आप बड़ा ही ऑर्डर कीजिएगा बच्चों का, क्योंकि जब हम फर्स्ट क्राई से जब कपड़े खरीदते हैं ना बच्चों के, तो थोड़ा सा साइज का इश्यू रहता है वहाँ पे। मतलब कि आप जो सेम साइज में मंगाएंगे ना तो बच्चे के आपको टाइट जाएगा, अगर आप एक साइज बड़ा मंगाएंगे तो वो इस समय प्रेजेंट टाइम में जो आपका बच्चे की एज है उसमें फिट होगा। और फर्स्ट क्राई पे ना एक चीज़ और मैंने देखी है कि आप जैसे कोई भी प्रोडक्ट में अगर आप एज सेलेक्ट करते हैं, आपने जैसे कि सेलेक्ट किया आपका 4 to 5 ईयर बच्चा है या 2 to 3 ईयर बच्चा है, ठीक है, तो साथ में उसका वेट भी आ जाता है कि आपके बच्चे को अगर ये इतना वेट है आपके बच्चे का, तो ये आपके बच्चे को जो है फिट आएगा कपड़ा। तो आप वेट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ये प्लस पॉइंट है कि अगर आप बच्चों के कपड़े अच्छे से खरीदना चाहते हैं तो। और हाँ अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, क्लॉथ मटेरियल मैंने आपको बताया बहुत सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा है यार। इसका बड़ा पीस मिलता ना तो भी मैं शॉर्ट्स बना के पहन लेती। तो अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो एक्चुअली पता है ये मैंने अलग ऑर्डर की थी, वो मैंने 60% सेल में ऑर्डर किए थे कपड़े जो मैंने अपने बच्चों के लिए किए थे। एक्चुअली ये बर्थडे के लिए मैंने लिया था गिफ्ट करने के लिए, तो मुझे ये अर्जेंट में चाहिए था, तो इस पर मुझे ना अच्छा ऐसा कुछ खास डिस्काउंट नहीं मिला है। ये मुझे 629 की पड़ा है ना, MRP इसकी 849 है, तो 630 का कुछ पड़ा है ये मुझे, और 849 850 इसका MRP है। तो वैसे आप चाहें तो सेल का वेट कर सकते हैं, तो शायद थोड़ा और सस्ता मिल जाएगा उसमें। तो गाइस अब हम अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरे पास है यहाँ पे एक ये लेगिंग है मेरे पास। एक्चुअली ये मैंने ना ट्राई की थी अपने बच्चे के, तो ये अभी तक उल्टी ही रखी है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, इसका प्रोडक्ट का रिव्यू बाद में करूँगी। हुआ क्या, जब ये मैंने यहाँ पे मैं साइड में एक पिक लगाऊंगी, इसमें लगेगा, इसमें ना जेंडर सेलेक्ट नहीं है कि आप ये गर्ल्स के लिए मंगा रहे हैं या बॉयज़ के लिए, ठीक है, इसमें जेंडर सेलेक्ट नहीं है। तो मुझे यहाँ पे यूनिसेक्स करके लिखा हुआ था, तो मैंने अपने बेबी के लिए, मुझे अपने बेटे के लिए मंगानी थी, तो जब मैंने ये मंगाया तो मुझे ना थोड़ा अच्छा लगा, कलर भी इसका अच्छा था। मेन चीज़ यहाँ पे इस पे जो प्रिंट है ना, मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा अभी अल्फ़ाबेट का शौकीन है, अभी अभी पढ़ना सीखा है, तो ये ना पढ़ता है सारे लेटर्स किसी भी कपड़े पर लिखे होते हैं, तो मुझे ऐसा लगा ना ये पड़ेगा उसको बहुत अच्छा लगेगा, तो मैंने ये उसके लिए ऑर्डर कर दिया। इसका साइज जो है ना मैंने वही 4 to 5 ईयर में किया था, 26 नंबर लिखा हुआ है इस पे जो साइज है वेस्ट का, है ना। तो जब मैंने ऑर्डर कर दिया और सामने पिक्चर देख के आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि ये बॉयज़ का है, लेकिन जब ये आया ना तो एक ना ये लेगिंग है, ये गर्ल्स लेगिंग होती है ना, लेगिंग लायरा वगैरह की, वो ये वो लेगिंग है, तो ना इसलिए मुझे ये रिटर्न करनी पड़ेगी। इसका ब्रांड जो है कुछ स्ट्रेच करके ब्रांड है, देखिएगा आप यहाँ पे
मे बी ये उल्टा दिखाई दे रहा होगा आपको इसमें वीडियो में, ये भी फीडो का ही है जिसमें मैंने वो आपको लोअर दिखाए थे ना रेड कलर वाले, ये अभी मैं आपको दिखा देती हूँ फिर से, ये वाले ये भी इसी का है। तो इसके भी मैंने ना दो पीस ही मंगा लिए थे, एक पीस ये देखिए पैक रखा हुआ है, तो मैंने अभी इसको खोला नहीं है कपड़ा। अगर हाँ आपके गर्ल है ना तो आप इसे डेफिनेटली, मैं जो प्रोडक्ट आपको दिखा रही हूँ ना आँख बंद करके मंगा सकते हैं, इतना सॉफ्ट इतना कोजी है कि मैं फिर से वही कहूँगी कि अगर इसमें बड़ा साइज होता ना तो मैं इसे अपने लिए ही रख लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। इसका MRP वगैरह मैं आपको बता देती हूँ, इसमें आई थिंक लिखा होगा MRP इसका 325 है और ये मुझे ना 60% नहीं 50% की सेल में रिसीव हुआ था। अब हम अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं। यस ये देखिए नेक्स्ट बेबी हक से है, ये बेबी हक ब्रांड से। तो इसका MRP पहले देख लेते हैं, 499 इसका MRP है और ये मुझे 50% सेल में मिला है। तो ये देखिए सबसे अच्छी बात पता है क्या, बेबी की पैकिंग बहुत अच्छी आती है, जो पॉलीथीन देते हैं ना ये काफ़ी अच्छा होता है। ये देखिए एक ये पैंट मैंने मंगाई है, घर में पहनने के लिए मंगाए हैं, मतलब बाहर जाने के लिए जॉगर्स वगैरह उनके पास अलग हैं, लेकिन ये मैंने अलग मंगाई है थोड़ा। ये भी 4 to 5 year साइज़ है और क्लॉथ मटेरियल कलर वगैरह ये सारा कुछ बहुत अच्छा है। तो इसको तो मैं रखने वाली हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगा आपसे कि बेबी हक का तो मैं आँख बंद करके विश्वास करके मंगा लेती हूँ, कोई भी प्रोडक्ट होता है आँख बंद करके मंगाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैं लुक बुक भी दिखा दूँगी आपको और आप इसे किसी भी सेल में ले सकते हैं। जैसे जब भी कोई सेल आए ना तो सबसे पहले धमाका कर दिया करो आप लोग, क्योंकि कभी कभी तो क्या होता है कि ये 70% डिस्काउंट तक पे मिल जाते हैं ये प्रोडक्ट। तो ये देखिए बेबी है गई है। तो गाइस बस इतना ही था आज का हॉल, और भी कुछ कपड़े आने वाले हैं तो इसका part 2 ज़रूर आएगा। आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए मुझे पहली बार देख रहे हैं तो नीचे देखिए सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो बेल बटन है ना घंटी वाला आइकन नीचे देखिए तो उसको प्रेस कर दीजिएगा, और हाँ ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि इसका जो part 2 आएगा ना वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। आई होप कि गाइज आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और हो सकता है कि इससे कुछ ना कुछ आप लोगों की हेल्प हो सके, अगर आप न्यूली ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फर्स्ट क्राई ऐप पे आप मार्केट से अच्छे प्रोडक्ट ले सकते हैं। ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है बट मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और part 2 अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में के नीचे कमेंट करके लिखिएगा। यस चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।